देखो फ्लूइड फ्लो में नाम से ही पता लग रहा है, एक फ्लूइड क्या करेगा, किसी भी पाइप में फ्लो करेगा। अब वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है। पहला तरीका वो बड़े आराम से फ्लो करे, जैसे आराम आराम से पानी गिरता जा रहा है, और दूसरा तरीका बहुत प्रेशर है जो लिक्विड जो लिक्विड जो लिक्विड है मिक्स हो के बाहर आ रहा है। आपने ट्यूबवेल में देखा होगा नॉर्मली, या आपके टैप में देखा होगा, पानी आराम से चला दो, कई बार तो एकदम पूरा स्ट्रीम दिखती है, एकदम पानी का बूंद से उधर नहीं जाता, लेकिन कई बार तो छींटे हवा में ही बिखरते जाते हैं, एकदम झाग बन जाती है और एकदम इट गेट्स चर्मड अप। तो अगर तो आराम से फ्लो कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। और अगर मिक्स हो के आ रहा है, पता नहीं कहाँ गिर रहा है, क्या होगा, रैंडम जिगजैग मोशन है, तो टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन टेक्निकली अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझाया जाए, स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम स्ट्रीमलाइन क्यों है उसको एक बार देखते हैं। देखो जो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है पाथ। स्ट्रीमलाइन मींस पाथ। पाथ सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी, कैसा भी होगा, स्ट्रीमलाइन एक पाथ है। तो सपोज करो एक पाइप है, ये पाइप है, इसमें ये लिक्विड की एक स्ट्रीमलाइन है, रास्ता है लिक्विड का। अगर कोई लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पे आता है और मैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करूँ, तो ड्रॉ अ टेंजेंट। मान लो इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। जब ये यहाँ पे आएगा, ड्रॉ अ टेंजेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे आएगा ड्रॉ अ टेंजेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, चेंज, राइट। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो है कि अगर कोई अगला पार्टिकल जो बिल्कुल कंजेक्टिव इसके पीछे था, वो इसके एग्जैक्टली पीछे था, और जब वो यहाँ पे आएगा वो भी यही रास्ता फॉलो करेगा और इतनी ही वेलोसिटी अटेन करेगा इन इन पॉइंट्स पे जब वो पीछे पीछे आता जाएगा। तो ऐसे फ्लो में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ वेलोसिटी 3 है, तो यहाँ पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी 5 ही होगी। तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो में आप लिक्विड की वेलोसिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि सारे पार्टिकल का बिहेवियर एक जैसा है। क्लियर है यहाँ तक? टर्बुलेंट जिगजैग फ्लो है, गारंटी नहीं है एक पार्टिकल यहां पर जिगजैग मिक्स हो के आएगा, आप टर्बुलेंट को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि रैंडम मोशन है, मुझे क्या पता क्या होगा। तो हम किस फ्लो को स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन। तो इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो इन विच ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ट्रेवल्स अलॉन्ग द सेम पाथ एंड विद सेम वेलोसिटी एज द प्रोसीडिंग पार्टिकल टू द सेम पॉइंट। तो पहले वाले पार्टिकल ने किया, दूसरा भी एग्जैक्टली वही करेगा, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन किसे बोलते हैं, पाथ स्ट्रेट या कर्व्ड जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पॉइंट। तो ये स्ट्रीमलाइंस है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मैंने बता दिया जिगजैग मोशन है, तो एक वेलोसिटी डिफाइन की जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी लिक्विड के पार्टिकल के क्रिटिकल से नीचे है, फिर तो स्टेडी फ्लो है, और अगर ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो है। तो डिफाइन कर दिया क्रिटिकल वेलोसिटी को, राइट। इसके बाद ये कैसे लिक्विड मूव करता है, लिक्विड के प्रोफाइल्स क्या हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं। लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है लिक्विड, कैसे करता है, हम ये पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर में सिर्फ फॉर्मूला ही देखना है। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, ये रहा नंबर एन, जो आपको सिर्फ ये बताता है कि कोई भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। मतलब जैसे आप मुझे 3 किस्म के लिक्विड दो जिसमें एन की वैल्यू आप मुझे साथ साथ दे दो, मैं एन की वैल्यू को देखते हुए ही बता दूंगा कि लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। तो अगर एन 0 और 2000 के बीच में है तो फ्लो टर्बुलेंट है, फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन है या लैमिनर एक ही बात है। और अगर 2 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट है, और अगर 2000 3000 के बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइन कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने का ये तरीका है,
वी सी इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी है, रो इसमें डेंसिटी है, डी इसमें डायमीटर है, और ईटा इसमें कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। नहीं, इसके यूनिट्स नहीं है, नंबर है।